Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next topics of national income and related aggregate. आज हमें study करना है next topic है next concepts हैं national income and related aggregate. इसे previous वाली video के अंदर हमने discuss किया था meaning of national income, meaning of factor income, how factor income is differ from transfers income. एंड नॉर्मल रेजिडेंट्स इनका हमने मीनिंग जाना था. आज हम करते हैं कि डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक इनकम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम. तो डोमेस्टिक इनकम क्या है? तो डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम. क्या है डोमेस्टिक इनकम? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम. वो फैक्टर इनकम का टोटल जनरेटेड क्या हुई है? जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. जो कहां पर जनरेट हुई है? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट हुई है ऑफ अ कंट्री, ए कंट्री की. नो मैटर हु जनरेट इट, नो मैटर हु जनरेट इट, ये मैटर नहीं करता इसको जनरेट किसने किया है. तो ध्यान रखना, देखो नेशनल इनकम का कल हमने मिली क्या, तो उसमें भी क्या था? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम. यहाँ भी क्या है? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम. बट नेशनल इनकम के अंदर हमने क्या था कि नेशनल इनकम सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम विच इज अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट. जो अर्न किसने की थी? नॉर्मल रेजिडेंट ने अर्न की ऑफ अ कंट्री. बट यहाँ क्या कह रहे हैं? जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, नो मैटर हु जनरेटेड. तो हु जनरेटेड में क्या, ये मैटर नहीं करता कि जो इनकम है वो नॉर्मल रेजिडेंट ने अर्न की है. किसने? नॉर्मल रेजिडेंट ने अर्न की है या फिर नॉन रेजिडेंट ने अर्न की है. कल मैंने बताया था कि हमारी कंट्री में केवल हम ही नहीं रहते, हम नॉर्मल रेजिडेंट ही नहीं रहते, हमारी कंट्री में एब्रोड के पर्सन्स भी यहाँ रहते हैं. क्या रहते हैं? एब्रोड के पर्सन्स भी रहते हैं. तो क्या उनकी इनकम डोमेस्टिक इनकम नहीं होगी? क्या उनकी इनकम डोमेस्टिक इनकम नहीं होगी? तो उनकी इनकम भी किसका पार्ट होगी? डोमेस्टिक इनकम का ही पार्ट होगी. मतलब ये कह रहे हैं कि इनकम जनरेट कहीं भी हुई हो, किसी ने भी जनरेट की हो, बट वो कहाँ की है? हमारी डोमेस्टिक कंट्री. मतलब कि मैं ये कहूँ इंडिया के अंदर रहकर जो भी इनकम अर्न हुई है, या फिर हम कहें इंडियन जो क्या है इकोनॉमी है, इंडियन के जो भी क्या है एसेट्स है, इंडियन की जो कैपिटल्स है, उससे रिलेटेड इनकम कहीं भी है जनरेट, किसी ने भी जनरेट की है, चाहे वो हमने की है चाहे नॉन रेजिडेंट इनकम की है, सबकी इनकम किसके अंदर आती है? डोमेस्टिक इनकम. इतना ध्यान रखना, डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड्स बोथ रेजिडेंट इनकम, नॉर्मल रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट. दोनों ही रेजिडेंट की इनकम को क्या किया जाता है? डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाता है. कह रहे क्या? नॉर्मल रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट, दोनों की ही इनकम किसमें आती है? डोमेस्टिक इनकम के अंदर आती है. क्लियर हो गया. नेक्स्ट अभी नेशनल इनकम. तो नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम. नेशनल इनकम क्या है? इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय, जो अर्न की गई है किसके द्वारा? नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा. किसके द्वारा अर्न की गई है? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, नो मैटर, ये मैटर नहीं करता वेयर इट इज जनरेटेड, ये जनरेट कहां हुई है. वेयर इट इज जनरेटेड का मतलब है कि ये इनकम हमारी इन डोमेस्टिक कंट्री हुई है, इन डोमेस्टिक कंट्री, या फिर ये इनकम कहां से आई है? एब्रोड से आई है. क्योंकि नॉर्मल रेजिडेंट जो इंडिया के पर्सन हैं, जरूरी नहीं कि वो हमारी कंट्री में रहते हैं. इंडियंस बहुत सारे कहां रहते हैं? वो फॉरेन के अंदर भी रहते हैं. कहां रहते हैं? वो फॉरेन में भी रहते हैं. चाहे वो फॉरेन से इनकम आई है, किसने अर्न किया? नॉर्मल रेजिडेंट ने. चाहे वो हमारी कंट्री की इनकम है जो कहा डोमेस्टिक का पार्ट है, किस कहीं से भी जनरेट हुई हो वो इनकम, बस अर्न किसने की हुई हो, वो एक नॉर्मल रेजिडेंट ने अर्न की हुई हो. एक नॉर्मल रेजिडेंट ने इनकम अर्न की है, चाहे वो अपनी कंट्री में कर ली या फिर उसे दूसरी कंट्री में जाके की है, बट की नॉर्मल रेजिडेंट ने है, तो वो किसका पार्ट होगी? नेशनल इनकम का. तो इन दोनों में कॉमन क्या है? देखो फर्स्ट ये क्या है? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम. सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम इट मीन्स डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम बोथ इनकम इंक्लूडेड ओनली
फैक्टर इनकम, दोनों इनकम के अंदर ट्रांसफर इनकम नहीं आएगी, दोनों में ही क्या आएगी, फैक्टर इनकम। डिफरेंस कहां हो जाता है कि डोमेस्टिक इनकम के अंदर ये मैटर नहीं करता वो जनरेटेड, किसको जनरेट करने वाला कौन है, उसमें नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम भी होती है और एनआरआई जो होते हैं हमारे नॉन रेजिडेंट होते हैं उनकी इनकम भी जनरेट, उनकी इनकम भी क्या की जाती है, इंक्लूड की जाती है। बट नेशन इनकम भी किसकी ली जाती है, केवल नॉर्मल रेजिडेंट की, और ये मैटर नहीं करता है यहाँ पर उसने जनरेट कहाँ की है, अपनी कंट्री में की है या फिर दूसरी कंट्री में, लेकिन लेनी कौन सी होती है, केवल अपने नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम ही लेनी होती है। जनरली इनका एग्रीगेट जो पढ़ते हैं तो डोमेस्टिक का एग्रीगेट होता है NDPFC, क्या होता है NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम का एग्रीगेट होता है NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, क्या नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर हो गया। जनरली आपसे डोमेस्टिक इनकम भी पूछ रही है, वो जनरली पूछा क्या जाता है कि डिफाइन NDPFC, डिफाइन NDPFC, तो NDPFC क्या है, डोमेस्टिक इनकम है। NDPFC क्या है, डोमेस्टिक इनकम, जिसमें इंक्लूड होता है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक कंट्री, नो मैटर हु जनरेटेड, नॉर्मल रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। नेशनल इनकम सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम विच इज जनरेटेड बाय द, विच इज अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, नो मैटर वेयर इट इज जनरेटेड। ये मैटर नहीं करता ये जनरेट हुई कहाँ है, या विद इन कंट्री है, या डोमेस्टिक कंट्री है, या फिर अब्रॉड है। क्लियर हो गया। तो ये थे हमारे कॉन्सेप्ट किसके, नॉर्मल रेजिडेंट एंड सॉरी डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। अब है नेक्स्ट हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। अब यहां वर्ड आया था ये डोमेस्टिक टेरिटरी, इसका मीनिंग क्या है ये जानना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी किसको कहोगे। इन कॉमन लैंग्वेज हम क्या कह देते हैं, द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज अंडरस्टूड टू मीन्स पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ अ नेशन। किसी भी नेशन का जहां तक क्या है पॉलिटिकल टेरिटरी है वो क्या होती है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी होती है। क्या होती है वो डोमेस्टिक टेरिटरी, एक नेशन का पॉलिटिकल टेरिटरी मतलब उसका जो एरिया कहां था पॉलिटिकल का, मतलब जहां तक हमारी पॉलिटिक्स चलती है, राजनीति हमारी जहां तक चलती है वहां तक हमारा क्या है वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। बट इन इकोनॉमिक्स ये कहना गलत है, इन इकोनॉमिक्स ये कहना गलत है। क्या कह रहे हैं, बट इन इकोनॉमिक्स इट रेफर्स टू इकोनॉमिक टेरिटरी, ये कहते हैं कि जहां तक हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी है, जहां तक हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी है वो किसका पार्ट होगी, वो इंडियन या हमें ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब है जहां तक हमारे क्या है मैन मशीन एंड मटेरियल कैपिटल जहां तक क्या है सर्कुलर फ्लो के अंदर है, जहां तक वो फैली हुई है, चाहे वो एब्रोड में अपनी कंट्री में है, वो सब हमारी क्या है डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन एयरवेज कहाँ चल रहा है, कहाँ ऑपरेट कर रहा है वो, हम ये कहें कि जापान टू हांगकांग है, हम ये जापान से कहा है US या UK है, उसके बीच में क्या है हमारा इंडियन एयरवेज क्या कर रहा है वर्क कर रहा है, तो उसके थ्रू जो इनकम अर्न की जा रही है वो इनकम किसका पार्ट होगी, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। ध्यान रखना इंडियन एयरवेज है, कैपिटल मशीनरी किसकी है वो हमारी है, तो उसके थ्रू जो भी इनकम अर्न की जाएगी वो इनकम किसका पार्ट होगी, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, मतलब हमारा है वो मशीनरी एंड मटेरियल। इट मीन्स ये कहेगी जब क्या मैं कहेंगी जो दूसरे जो एयरवेज है, जो एयरप्लेन है वो हमारे यहाँ पर इंडिया में क्या कर रहा है वर्क कर रहा है, तो क्या वो मेट्रो क्षेत्र का पार्ट होगा, नो। जापान जो एयरवेज है वो अगर कहाँ काम कर रहा है, इंडिया के अंदर काम कर रहा है, तो वो क्या नहीं है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर एम्बेसी क्या है, फॉरन एम्बेसीज है वो कहाँ लोकेटेड है, इन इंडिया। फॉरन एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया इज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, नो। तो आंसर क्या होगा इसका, नो, फॉरन एम्बेसी इज द पार्ट ऑफ फॉरन
टेरिटरी, वो किसका पार्ट होगी? फॉरेन टेरिटरी का पार्ट होगी, नॉट अ डोमेस्टिक टेरिटरी। अगर ये कहें कि डोमेस्टिक एम्बेसीज, इंडियन एम्बेसीज लोकेटेड इन एब्रोड इज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, तो बिल्कुल क्लियर यस। हाँ, इंडियन के एम्बेसीज है वो फॉरेन में है, वो क्या किसके अंदर इंक्लूड होंगी? वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगी। क्लियर हो गया? ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे से क्वेश्चन आते हैं, 6 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें से कौन सा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, कौन सा डोमेस्टिक इनकम का होगा, कौन सा नेशनल इनकम का होगा। तो जितनी भी एम्बेसीज हैं, ध्यान रखना एम्बेसी जब हम वर्ड आ जाए, जो जिस कंट्री की है वो उसी कंट्री का क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। जो जिस कंट्री का है वो उसी कंट्री का क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। जैसे मैंने कहा फॉरेन एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया, या जापान एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया इज द पार्ट ऑफ जापान टेरिटरी, नॉट इंडियन टेरिटरी। हाँ, ये इंडियन टेरिटरी लोकेटेड इन जापान, तो वो इंडिया की क्या है? टेरिटरी का पार्ट है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द ब्रांच ऑफ SBI लोकेटेड इन US, SBI जो ब्रांच है वो कहाँ लोकेटेड है? US में लोकेटेड। इज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी? नो। क्यों? क्योंकि SBI की ब्रांच US में है, तो वहां पॉलिटिकल टेरिटरी सब उसकी है, वो हमारा पार्ट नहीं होगी। क्लियर हो गया सभी को? केवल जो इसमें पार्ट यूज किया जाता है एम्बेसी वर्ड आ जाए, जहां पर जिस कंट्री की होती है वो उसी कंट्री का क्या होता है? पार्ट होता है। क्लियर हो गया सभी को? तो ये था हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी। तो कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग क्या है? तो डोमेस्टिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी, इट रेफर्स टू ज्योग्राफिकल टेरिटरी। इसका मतलब क्या है? इट रेफर टू ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय अ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा क्या हो चुकी है? एडमिनिस्टर्ड हो चुकी है, विद इन विच पर्सन्स गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। जो क्या कर रहे हैं? फ्रीली सर्कुलेट हो रहे हैं, पर्सन्स एंड गुड्स एंड कैपिटल है। तो इंडियन एम्बेसी लोकेटेड एब्रोड इन पार्ट्स ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। इंडियन एम्बेसी कहाँ लोकेटेड है? अगर वो डोमेस्टिक, वो कहाँ पर? एब्रोड में लोकेटेड है, तो किसका पार्ट होगी? डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। सेम ऐसे जापान एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया इज द पार्ट ऑफ जापान टेरिटरी, नॉट अ डोमेस्टिक टेरिटरी। क्लियर हो गया? अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जेंस ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। कन्वर्जेंस ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। अब है कन्वर्जेंस ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम, कि हाउ टू डोमेस्टिक इनकम कन्वर्ट इनटू नेशनल इनकम, कि हमें अपने डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम के अंदर कैसे कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम क्या ली हमने? डोमेस्टिक इनकम, तो डोमेस्टिक इनकम का मीनिंग हमने जान लिया। क्या होगा डोमेस्टिक इनकम? डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टरी इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या हुई है? जनरेट हुई है, नो मैटर हु जनरेटेड। तो यहाँ किस किस की इनकम है? यहाँ नॉर्मल रेजिडेंट, किस किस की इनकम है? नॉर्मल रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, दोनों की हमने यहाँ इनकम को ले लिया। तो इसमें अब डोमेस्टिक से इस कहाँ कन्वर्ट होना है? हमें नेशनल में कन्वर्ट होना है। और नेशनल वाला क्या कहता है कि इट इंक्लूड्स ओनली सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम विच इज अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। यहाँ केवल किसकी इनकम आनी चाहिए? नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम आनी चाहिए। ध्यान से सुनना कि डोमेस्टिक इनकम के अंदर नॉर्मल रेजिडेंट प्लस नॉन रेजिडेंट दोनों की इनकम आनी चाहिए, और नेशनल में केवल किसकी आनी चाहिए? नॉर्मल रेजिडेंट की आनी चाहिए। इट मीन्स अगर डोमेस्टिक इनकम बेसिस नॉन रेजिडेंट की इनकम को क्या कर दिया जाए? माइनस कर दिया जाए, तो नेशनल इनकम आ जाएगी। यही कहना चाहते हो? देखो, अगर नॉन रेजिडेंट की इनकम को आप क्या कर रहे हो? माइनस करो। आप कह रहे हो कि हमें क्या चाहिए? नेशनल इनकम चाहिए, और नेशनल इनकम का मतलब नॉर्मल रेजिडेंट, नो मैटर वेयर इट इज जनरेटेड। ये मैटर यहाँ नहीं कर रहा कि जनरेट हुई कहाँ है। तो हुई कहाँ है? अपनी कंट्री में हुई है, एब्रोड में हुई है। तो आप एब्रोड से भी इनकम मंगा रहे नॉर्मल रेजिडेंट की? आप क्या कहते हो कि जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट दूसरी कंट्री में है वो इनकम को वापिस भेजो, हमें अपनी नेशनल इनकम क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। तो आपने क्या किया? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, क्योंकि हमारे जो इंडियंस हैं नॉर्मल रेजिडेंट हैं,
वो लोकेटेड कहाँ है, कहाँ रह रहे हैं, वो एब्रोड में भी तो रह रहे हैं, एब्रोड से उनकी इनकम क्या कर दी, हमें वापिस मंगानी है। जब आपने अपनी इनकम वापिस मंगा ली तो क्या दूसरी कंट्री आपके पास इनकम छोड़ देगी? तो भाई ये समझने वाली बात है कि जब आपने अपने नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम को क्या कर लिया, मंगा लिया, क्या करने के लिए फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए आपने अपनी इनकम मंगा ली वहां से, तो क्या फॉरनर है जो फॉरन की जो कंट्री है क्या वो आपके पास अपने पर्सन की इनकम को छोड़ सकती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो कहेंगे भाई आपने इनकम ली है तो आप हमारे रेजिडेंट की क्या दे दो, हम इनकम दे दो। क्यों? उनके जो रेजिडेंट है हमारी कंट्री में क्या है, वो नॉन रेजिडेंट। उनके रेजिडेंट हमारी हमारी कंट्री में क्या है, वो नॉन रेजिडेंट। सिर्फ हमारे नॉर्मल रेजिडेंट उनके लिए एनआरआई है, उनके रेजिडेंट हमारे लिए एनआरआई है। तो कहते हैं कि तुमने अपने हमारे एनआरआई की मंगाई इनकम, आप अपने एनआरआई की इनकम सेंड कर दो। हमने कहा ठीक है, पहले आप भेजो। हमने क्या किया, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस क्या किया, ठीक है वापिस भेज रहे हैं इनकम। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इनकम को वापिस भेज रहे हैं, फैक्टर इनकम टू एब्रोड, फैक्टर इनकम टू एब्रोड। तो यहाँ जो डिफरेंस आएगा उसको हम बोलते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। क्या बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो ये क्या आ गया, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो यहाँ जब हमारी नेशनल इनकम आई, नॉन रेजिडेंट की इनकम यहाँ से जा चुकी है, नॉन रेजिडेंट की इनकम क्या हो चुकी है, यहाँ से जा चुकी है। अब यहाँ नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम बच रही है, किसमें, डोमेस्टिक इनकम में। तो कहता है कि भाई नॉर्मल रेजिडेंट जो इंडिया में रहते हैं उनकी इनकम तो है, सपोज उनकी इनकम कितनी है 100 और नॉन रेजिडेंट की कितनी थी 20, तो टोटल डोमेस्टिक इनकम कितनी होती थी 120 करोड़। समझ आ रहा है, नॉर्मल रेजिडेंट अर्न कितनी करते थे 100 करोड़ और जो हमारे नॉन रेजिडेंट वो कितने अर्न करते थे 20 करोड़। तो टोटल इनकम कितनी करोड़ है हमारी, 120 करोड़ की इनकम है। किसकी, इंडिया की, 120 करोड़ की है इंडिया की। तो डोमेस्टिक इनकम है वो 120 है। अब हमें नेशनल इनकम निकालनी है। कहते हैं कि भाई हमें भरोसा नहीं है, हमें तो हमारे जो पर्सन है वो दूसरी कंट्री में भी रहते हैं, वहां से भी इनकम मंगाओ। तो हमारे जो नॉर्मल रेजिडेंट हैं उनकी इनकम कितनी है, तो इंडियन जो डोमेस्टिक है उनकी कितनी है 120, भाई आप वापिस भेज दो। हो सकता है कि हमारे बंदों ने वहां रहकर कितनी अर्न की गई की हो इनकम 30, कितनी अर्न की गई हो उनकी इनकम 30। तो कहते हैं भाई 30 हमने वहां से मंगा ली, 20 हमें पेड करनी होगी, फिर भी हमने 10 प्लस का कमाया है। इतनी हमारे जो नॉर्मल रेजिडेंट उन्होंने प्लस कितना कमाया है 10। अगर इसके अंदर इस NFI तो डिफरेंस क्या होता है NFI इसको प्लस कर दिया जाए तो 110 क्या आ गई हमारी नेशनल इनकम। क्लियर हुआ, हमें क्लियर हुआ कि डोमेस्टिक के अंदर नॉर्मल रेजिडेंट भी थे नॉन रेजिडेंट। नॉर्मल ने जो इंडिया के थे उन्होंने कितनी कमाया 100 कमाया और नॉन रेजिडेंट ने कितना कमाया 20। तो एब्रोड से कॉल आई है कि 20 रुपीज वापिस भेज दो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट के। हमने कहा ठीक है हम भेज देंगे, बट आपकी कंट्री में हमारे पर्सन भी रहते हैं, आप उनकी इनकम भेजिए। तो जब उन्होंने इनकम भेजी, हमारे जो नॉर्मल रेजिडेंट थे इंडियंस थे उनकी जो इनकम थी वो कितनी थी 30 करोड़। हमने कहा आपके बंदों की इनकम है 20 करोड़, ठीक है वो जितने भी है भेज दो। हमने कहा हमारे जितने वो भेज दो, उन्होंने हमें 30 भेज दी, हमने उनकी 20 वापिस कर दी, फिर भी हमारा प्लस कितना आया है, सरप्लस कितना है 10। मतलब 100 तो हमने अपनी कंट्री में रहकर कमा ली, 10 रुपए एक्स्ट्रा और 10 करोड़ और एक्स्ट्रा कमा लिया कहाँ से, फॉरेन से। तो टोटल इनकम कितनी हो गई 110। तो 110 क्या ये नेशनल इनकम। इसका मतलब ये हुआ कि जब इस डोमेस्टिक से कहाँ जाया जाता है नेशनल के ऊपर, तो इसको क्या कर दिया जाता है NFI को प्लस, क्या किया जाता है प्लस। अगर इसे वापिस रिवर्स ऐसे हुआ जाएगा तो क्या कर दिया जाएगा इसको माइनस। तो ये सेकंड फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया सेकंड, क्या डी और एन। अगर डोमेस्टिक से नेशनल आप जाओगे तो प्लस क्या करोगे NFI, अगर नेशनल से कहां आओगे डोमेस्टिक तो क्या करोगे माइनस NFI। फर्स्ट फॉर्मूला मैंने पैसरू में बताया था क्या, नेट और ग्रॉस था।
नेट से ग्रॉस गए तो क्या करते, सॉरी नेट से ग्रॉस पर जाओगे या ग्रॉस से नेट पर आओगे तो क्या, ग्रॉस से नेट पर आए तो क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन और ये प्लस डेप्रिसिएशन। फर्स्ट फॉर्मूला ये है, सेकंड यही स्टेप्स चल रही हैं कहां तक पहुंचने के लिए, टू असेस नेशनल इनकम, नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए स्टेप्स हैं, फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, क्लियर हो गया। तो यहाँ अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि डस डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम आर इक्वल टू ईच अदर, क्या नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों इक्वल हो सकती हैं? आंसर क्या होगा, यस ये दोनों इक्वल हो सकती हैं इफ एनएफआई इज जीरो, इफ एनएफआई इज जीरो। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों इक्वल हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है अगर एनएफआई की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो। अगर ये होता कि नॉन रेजिडेंट ने भी 30 अर्न किए होते तो हमें 30 की पेमेंट करनी पड़ती और 30 माइनस 30 जीरो, तो जो डोमेस्टिक इनकम है वही क्या आ जाती, नेशनल इनकम। तो ऐसा हो सकता है वो जीरो भी क्या हो सकता है, बराबर हो सकते हैं, डिपेंड ऑन एनएफआई। इफ एनएफआई जीरो, देखो इसके तीन क्वेश्चन बनते हैं, इफ एनएफआई जीरो, जब एनएफआई क्या है, जीरो है, जब एनएफआई जीरो है तो डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम किसके बराबर होगी, नेशनल इनकम के बराबर होगी यदि क्या है, एनएफआई क्या है, सरप्लस, क्या है, सरप्लस, मतलब कि ज्यादा है तो क्या होगा, नेशनल इनकम इज मोर देन डोमेस्टिक इनकम। अगर एनएफआई कैसा है, डेफिशिट है, कम है, तो क्या होगा, नेशनल इनकम इज लेस देन डोमेस्टिक इनकम। क्लियर हो गया, तो तीनों कॉन्सेप्ट्स, मतलब कि इनका बराबर होना, कम ज्यादा होना किसके ऊपर डिपेंड करता है, एनएफआईए के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट। जो डोमेस्टिक इनकम है और डोमेस्टिक प्रोडक्ट है दोनों क्या एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, तो बिल्कुल ठीक है। आइडेंटिकल क्यों है, क्योंकि देखो प्रोडक्ट एंड इनकम, प्रोडक्ट एंड इनकम, प्रोड्यूसर्स ने क्या किया, हाउस होल्ड से क्या ली थी, फैक्टर सर्विसेज, उनसे गुड्स क्या किया, प्रोड्यूस किया। जब गुड्स प्रोड्यूस किया है प्रोड्यूसर्स ने उनकी हेल्प से, वो इतनी ही इनकम किसको दे दी, फैक्टर पेमेंट के रूप में हाउस होल्ड को, मतलब कि 100 यूनिट्स क्या की उसने प्रोड्यूस की तो 100 का ही किसको दे दिया उसने, हाउस होल्ड को। तो इनकम हर बार कैसे आनी है, सेम, मतलब जो प्रोडक्ट है वो ही क्या है, इनकम। इसलिए कहते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसलिए हम क्या बोल देते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम, मतलब जितना प्रोडक्शन होगा ना उतनी ही क्या होगी, डोमेस्टिक इनकम होगी, इतना डोमेस्टिक प्रोडक्ट उतनी क्या होगी, डोमेस्टिक इनकम। क्योंकि यहाँ पर assumptions क्या मानी थी, देयर इज नो सेविंग्स, यहाँ कोई सेविंग्स नहीं होने वाली, तो जो वही डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वही क्या डोमेस्टिक इनकम है, सेविंग क्या निकलेंगे, एक्सपेंडिचर्स। क्लियर हो गया सभी को।